मंत्रिमंडल ने वृद्धजनों को लाभान्वित करने के लिए बिना आय की सीमा से प्रदान की जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य के वृद्धजनों के लिए नव वर्ष का बड़ा तोहफा है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि विधानसभा का 7 शीतकालीन सत्र 9 जनवरी से 12 जनवरी 2018 तक धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने जिसमें निर्देश जारी किए गए कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा स्टाफ चयन आयोग के दायरे से बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बैठक में विभिन्न बोर्डों तथा नियमों में मनोनीत समस्त अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के साथ साथ सदस्यों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में पूर्व सरकार द्वारा दिए गए सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने पर निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ऐसे स्थानांतरण आदेशों जो अभी कार्यान्वित नहीं हुए हैं उन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि भाजपा के स्वर्ण में हिमाचल दृष्टि पत्र 2017 को सरकार के नीति दस्तावेज के तौर पर अपनाया जाएगा। बैठक में मेडिकल कॉलेज की इंटरव्यू प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आवारा पशुओं के कारण उपजी समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। अनिल शर्मा, डॉक्टर रामलाल मार्कंडे तथा गोविंद सिंह ठाकुर इसके सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों विशेषकर प्रधानमंत्री का उन पर विश्वास जताने तथा नव गठित सरकार में एक मजबूत नेतृत्व उपलब्ध करवाने के लिए आभार जताया। मंत्रिमंडल ने सर्व समिति से हिमाचल प्रदेश के लोगों का भारतीय जनता पार्टी तथा इसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों में विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया।